हाँ जी, तो कैसे हैं प्यास? तो आशा करते हैं कि मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे प्यास। तो इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले क्लास 10 फिजिक्स चैप्टर 3, जिसका नाम है मानव निर्मित वायुमंडलीय अपवर्तन बल विश्लेषण संपूर्ण निचोड़। भाई साहब, सबसे ज्यादा एग्जाम में आते हैं तो इसी चैप्टर से प्यास। तो चैप्टर 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो प्यास, तो आप लोग बोलते हैं ना कि सर जी ऐसा कर दीजिए ना, जो एग्जाम में क्वेश्चन आता है वही बताएं। तो प्यास, तो सेम टू सेम जो आपको एग्जाम में आने वाला है ना, इस चैप्टर का पूरा निचोड़ देने वाले हैं, ठीक है प्यास। तो इससे पहले हम लोग 1 चैप्टर और 2 का बना दिए, नहीं देखे तो प्लेलिस्ट है, वहां से जरूर देख लीजिएगा। ये देखिए, मानव नेत्र दृष्टि दोष, मानव नेत्र के बारे में प्रश्न तो संपूर्ण वर्णन किया गया है, लेकिन ये आपसे जल्दी पूछा नहीं जाएगा, लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। ये आपको ऑब्जेक्टिव में काम आएगा, आप लिख लीजिएगा ना, तो ऑब्जेक्टिव में आपको काम आएगा। रेटिना, जैसे मानव नेत्र के सबसे पीछे वाले भाग को रेटिना कहा जाता है, रेटिना पर ही किसी वस्तु का प्रतिबिंब प्राप्त होता है। आपको क्वेश्चन आता है प्रश्न कि किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहां प्राप्त होता है, तो रेटिना पर। रेटिना पर को ही हम लोग दृष्टि पटल कहते हैं, ठीक है। चलिए देखें पास, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको 5 नंबर में पूछ दिया जाता है कभी कभी कि दृष्टि दोष क्या है, कितने प्रकार के होते हैं। तो देखें पास, तो यहाँ से लिखना है कि जब नेत्र के द्वारा निकट या दूर की वस्तु स्पष्ट रूप से नहीं देख पाता है तो नेत्र में ऐसे दोष को दृष्टि दोष कहता है। जब आँख में पास, तो या तो निकट की वस्तु या दूर की वस्तु स्पष्ट रूप से नहीं दिखाई पड़ता है तो उसमें दृष्टि दोष हो गया है। और दृष्टि दोष 3 प्रकार के होते हैं, आप लिख लीजिए, दृष्टि दोष 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। देखिए पास, तो पहला लिखिएगा निकट दृष्टि दोष, जिसको बोलते हैं मायोपिया। नेत्र का वैसा दोष जिसके कारण नेत्र के द्वारा निकट की वस्तु स्पष्ट रूप से देखा जाता है। देख रहे हैं, नाम है निकट दृष्टि दोष, आपको लगेगा कि निकट को नहीं दिख रहा, तब ये तो निकट दृष्टि दोष है, लेकिन नहीं मेरे पास, तो उल्टा होता है। निकट की वस्तु स्पष्ट रूप से दिख रहा है परंतु दूर की वस्तु नहीं दिखाई पड़ता है। नेत्र के यह दोष 2 कारणों से होता है, नेत्र गोलक का लंबा हो जाना, नेत्र लेंस की आवश्यकता से अधिक मोटा हो जाना। तो आप जरूर याद कर लीजिएगा, यहाँ पे उल्टा होता है, जैसे बोलेगा निकट दृष्टि दोष तो आप याद रखिएगा कि निकट कहीं दिखेगा, दूर का नहीं दिखेगा, कॉन्सेप्ट बना लीजिए, ठीक है, कभी गलती नहीं कीजिएगा। हाँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पास, तो ये पूछा जाता है कि निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस का चश्मा का उपयोग करते हैं। ध्यान दीजिए, तो इस दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस के चश्मे का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। और सिंपल हम ट्रिक आपको दे देते हैं, निकट लास्ट में, देखिए निकट लास्ट में क्या आ रहा है, आ से अवतल, सिंपल याद होगा कि ना। निकट बोलेगा निकट दृष्टि दोष से कोई व्यक्ति ग्रसित है तो उसको किस प्रकार के चश्मा चाहिए, तो निकट लास्ट में आ से अवतल। दूसरा लिखिए प्रश्न, तो दीर्घ दृष्टि दोष या दूर दृष्टि दोष एक ही हुआ। नेत्र का वैसा दोष जिसके कारण नेत्र के दूर स्पष्ट रूप से दिखा जाता है, दूर की वस्तु प्रश्न स्पष्ट रूप से दिखा जाता है परंतु निकट की वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं पड़ता है, ठीक है भाई साहब। ये भी दोष 2 कारणों से होता है, नेत्र गोलक के छोटा हो जाना, नेत्र लेंस का अवतल से अधिक पतला हो जाना। ये मेरे पास, तो कॉन्सेप्ट के साथ याद रखिएगा, दूर बोलेगा ना तो दूर के ही दिखेगा, निकट के नहीं दिखेगा। निकट बोलेगा ना तो निकट के ही दिखेगा, दूर के नहीं। जैसे प्यास, तो हम आपके घर पर गए खाना खाने के लिए और बोलेंगे भाई साहब कम से कम हमको 4 से 5 मिठाई दो, तो कम से कम बोल रहे हैं आप, अधिक से भी अधिक मेरे पास, तो हम 4 हैं, बोलेंगे कम से कम 4 से 5 मिठाई दो, यानी आप 6 भी दे सकते हैं लेकिन 4 से कम नहीं दीजिएगा। यानी कम से कम बोल रहे हैं लेकिन अधिक से अधिक 4 है, बोलेंगे अधिक से अधिक 5 देना, तो 4 दीजिएगा तो चलेगा, 6 दीजिएगा तो नहीं चलेगा। तो वही चीज इसमें भी होता है। तीसरा लिख दीजिएगा जरा दूरदर्शिता, ठीक है। देखिए, नेत्र का वैसा दोष जिसके कारण नेत्र के द्वारा निकट या दूर की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से नहीं देखा जाता है, यह दोष उम्र बढ़ने के साथ व्यक्तियों में होने लगता है, हर व्यक्ति में होने लगता है। जैसे जैसे उम्र बढ़ेगा ना, देखिए नेत्र लेंस के लचक कम हो जाना और सिलियरी मांसपेशी, किस कारण प्रश्न निवारण होता है, बाइफोकल लेंस से। एक और भी आता है अबिंदुकता, लेकिन ये आपको बुक में दिया नहीं, लेकिन याद रखिए अबिंदुकता को प्रश्न तो बेलनाकार लेंस से होता है, ठीक है। चलिए फिर देखिए, स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी क्या है, 25 सेंटीमीटर। जैसे स्पष्ट लगा देना तो आपको 25 सेंटीमीटर रट लेना है, और मेरे पास तो स्पष्ट न रहे, स्वस्थ आंख रहे तो आपको अनंत करना है। आगे चलते हैं, देखिए ये सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है। मेरे पास तो सबसे ज्यादा इसी चैप्टर से आते हैं, ठीक ना। याद रखिएगा, पृथ्वी के वायुमंडल में अनेक प्रकार के धूल कण, जल वाष्प एवं गैसों का मिश्रण होता है, जिसके कारण वायुमंडल के सूर्य के प्रकाश प्रवेश करता है तो धूल कण एवं गैसों द्वारा प्रकाश के सभी वर्णों का अवशोषण हो जाता है, केवल नीले वर्ण ही वायुमंडल सतहों द्वारा प्रकीर्णित होता है। ध्यान दीजिए प्रश्नों कि आकाश में क्या होता है ना, हमारे वायुमंडल में अनेक प्रकार के धूल कण एवं गैसों का मिश्रण होता है, और जब मेरे पास तो सूर्य प्रकाश का रंग प्रवेश करता है तो सभी धूल कणों के द्वारा प्रश्न तो क्या कर लिया जाता है, अवशोषण कर लिया जाता है, केवल नीला वर्ण ही वहां पे दिखता है, बच पाता है, तो उसी के कारण प्रश्न तो नीला दिखता है। हर में यही कॉन्सेप्ट आपको लगाना है, ठीक है।
देखिए सूर्योदय के समय सूर्य बोलेगा तो सिंपल समझिएगा कि लाल काहे होता है, काहे सभी वर्ण का इधर उधर रह जाएगा, केवल लाल वर्ण ही पहुंच पाते तो लाल दिखता है। वैसे इन फैक्ट तो तारे क्यों टिमटिमाते हैं तो ये भी आपको जानना जरूरी है, क्योंकि तारे पृथ्वी से अनंत दूरी पर है, बहुत ज़्यादा दूरी पर है, ठीक है, जिसके कारण तारे से आने वाली प्रकाश की किरणें अनेक वायुमंडलीय सतहों से होकर गुजरती है। वायुमंडल में धूल कण जलपाश में अनेक प्रकार गैसों का मिश्रण होता है, ये आपको रट लेना है कि वायुमंडल में अनेक प्रकार के धूल कण एवं गैस पात्रों का मिश्रण होता है, कहीं ठंडे हवाएं तो कहीं गर्म हवाएं होती है, जिससे वायुमंडल के सभी सतहों में प्रकाश का अपवर्तन एक समान नहीं हो पाता है, जिससे सतत रूप में प्रकाश की किरण हमारे नेत्रों पर नहीं पहुंचती है। सतत का मतलब प्रश्न तो एक लाइन से नहीं पहुंचती, ये डॉट डॉट में पहुंचती है, तो यही कारण है ना कि टिमटिमाते हुए प्रतीत होती है। कॉन्सेप्ट के साथ याद कीजिएगा, याद हो गया। टिंडर प्रभाव क्या, बहुत बार पूछा गया। कोलाइडी विलयन में प्रकाश के कणों को निलंबित होने की घटना को टिंडर प्रभाव कहते हैं। कोई कोलाइडी विलयन होता है, इसमें प्रकाश के कणों को निलंबित होने की घटना को टिंडर प्रभाव कहते हैं। अब देखिए ये जो क्वेश्चन की बात कर रहे थे आ गया, सूर्योदय के समय सूर्य लाल दिखता है क्यों, हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है भाई साहब, याद रखिए। मेरे पास तो आपका भी सपना है कि सर जी साइंस में 100 में 100 लाए, बोले ऐसे थोड़े होता है, इसी बार मेरा स्टूडेंट क्या आया है। तो जो बच्चा हमें फॉलो करते हैं पास तो यानी सब्सक्राइब करके जुड़े रहते हैं और लास्ट तक पढ़ते, आपको हम विश्वास दिलाते हैं कि आपका साइंस में 100 में तो नहीं बोल रहे हैं फास्ट, अगर आप अच्छे से पढ़ेगा तो 100 में 100 जरूर लाइएगा, नहीं तो 90+ आपको कोई नहीं रोकने वाला है, आपका सर का खुद 90+ है जी इसी नोट्स के द्वारा। आपको जो सपना है ना तो पास तो इस नोट्स को कॉल कीजिए, व्हाट्सअप कीजिए और ले लीजिए, ठीक है। और हमेशा आपको हम नंबर दिए हैं, अगर पिछले वीडियो में देखिएगा तो बहुत बार नंबर दिए, वहाँ से लिख लीजिएगा। सूर्योदय और सूर्यास्त, सूर्यास्त है ठीक ना, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य क्षैतिज पर होता है, क्षैतिज का मतलब पास तो जमीन के सतह पर, ठीक है। सूर्य प्रकाश की किरणें लंबी दूरी तय कर पृथ्वी पर पहुंचती है, जिसके कारण वायुमंडल में अनेक सतहों से होकर प्रकाश की किरण गुजरती है। वायुमंडल में सभी सतहों का अपवर्तनांक भिन्न भिन्न होता है, जिससे प्रकाश के अधिकांश वर्ण वायुमंडल में प्रकीर्णित हो जाते हैं, केवल लाल वर्ण पृथ्वी तक पहुंच पाते हैं, जिसके कारण हमें लाल दिखाई देता है। यही कॉन्सेप्ट आपको लगाना है, जैसे नीला में था ना सभी को अवशोषण कर लिया जाता, केवल नीला ही दिखता था, इसीलिए नीला, लाल में क्या होता है सभी वर्ण प्रकीर्णित हो जाता है, उधर ही में प्रकाश तो केवल लाल ही आ पाता है, तो लाल को, ठीक है। चलिए ऐसे भी आपसे पूछा जाता है ना, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ऐसे आप लोग देख लीजिए, ठीक है, फिर ज़्यादा बताएंगे तो दिक्कत हो जाएगा। वर्णपट क्या है, 7 वर्णों की रंगीन पट्टी को वर्णपट कहा जाता है, इसीलिए तो बोलते हैं कि आप मेरे पास तो हमारे बनाए गए नोट्स एक बार लीजिए और पढ़िए भाई सब, तब कहिएगा कि हाँ सर मज़ा आ गया। किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश काला क्यों दिखता है, आप खुद दिमाग में लगाइए कि मेरे पास तो कोई भी अगर वायुमंडल के बाहर चला जाता है तो वहाँ कोई भी प्रकाश यानी प्रकाश रहता ही नहीं है, जब वहाँ पर प्रकाश ही नहीं है तो वो क्या दिखेगा, काला, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिएगा, फिर ये क्वेश्चन आता है कि हम तीव्र प्रकाश से कम प्रकाश वाले कमरे में जाते हैं तो हमारी वस्तु कुछ समय लगता है, आप देखेंगे प्रश्न तो आप लाइट में रहिए और एक बार बाहर चला जाइए तो आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा, ठीक है। जैसे मेरे पास तो लाइट रहता है, लाइट कट जाता है तो देखने में कुछ वस्तुओं को कुछ सेकंड लगता है, तो वो क्यों होता है समझिए, क्योंकि तीव्र प्रकाश में मानव नेत्र पुतली सिकुड़ कर छोटा हो जाता है, ज़्यादा प्रकाश में रहेगा ना तो सिकुड़ कर थोड़ा छोटा हो जाता है, काहे होता है जी, ताकि मेरे पास तो प्रकाश की तीव्रता प्रभाव आँख पर न पड़े, परंतु जब व्यक्ति कम प्रकाश वाले कमरे में प्रवेश करता है ना तो पुतली को फैलने में कुछ समय लगता है, जिसके कारण वस्तुएं कुछ समय बाद स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ती है। सिंपल है, लिख लीजिएगा। हाँ ये क्वेश्चन आता है कि आप किस प्रकार दिखाएंगे कि सूर्य के प्रकाश 7 वर्णों का बना होता है, जब मेरे पास तो आप लोग देखेंगे इसका अति लघु उत्तरीय, लघु उत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय, तो हम बहुत अच्छा से बताए हैं, तो आप जरूर देखिए। नंबर लाने का 2 ही तरीका है, एक हमारा नोट्स पढ़ लीजिए और एक सभी का अति लघु उत्तरीय, लघु उत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय का वीडियो बनाए, वहाँ से देख लीजिए। आप विश्वास कीजिए एक भी क्वेश्चन आप नहीं एग्जाम में छोड़ के आइएगा साइंस का, और आप फुल में फुल मार्क्स मिलेगा जी। जब प्रिज्म के अपवर्तक सतह पर सूर्य प्रकाश की किरण आपतित होती है तो प्रिज्म से अपवर्तन के बाद प्रिज्म के सामने सफेद पर्दे पर 7 वर्णों की रंगीन पट्टी दिखाई पड़ता है, जिससे स्पष्ट होता है कि सूर्य के प्रकाश में प्रस्तुत वर्णों के 7 वर्णों का मिश्रण है। देखिए डायग्राम के द्वारा हम आपको समझाते हैं, कोई ये प्रिज्म है, यहाँ से सूर्य प्रकाश जा रहा है तो यहाँ प्रस्तुत एक पट्टी है, इसे बोल जाते हैं बेजानी हा पिनाल, ध्यान दीजिएगा ट्रिक से, बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी, लाल, तो ये मेरे पास तो सबसे कम विचलन होता है लाल का और सबसे अधिक होता है बैगनी का, ऑब्जेक्टिव में यहीं से तो आते हैं, जब ये कॉन्सेप्ट आपको याद न रहेगा तो आपको दिक्कत हो जाएगा। फिर देखिए हमको लगता है कि कहीं ना प्रिज्मा तो 7 रंग नहीं दे देता है, तो फिर कहेंगे पुनः हम प्रिज्म से 7 वर्णों को बारी बारी से अपवर्तित कराते हैं, जिस वर्ण का अपवर्तन होता है वही वर्ण दिखाई देता है, यहाँ से कहते चल लाल चल जा भाई तो लाले दिखाई देगा, नीला भेजते तो नीला, यानी समझ जाते कि सूर्य के प्रकाश भेजते तो 7 और एक वर्ण को भेजेंगे तो एक ही, यानी व्यस्त सूर्य के प्रकाश में 7 वर्णों का मिश्रण होता है, तो ये आपको लिख लेना है, ठीक है। चलिए अपवर्तनांक अभी तक पूछा तो नहीं गया है, ठीक है, तो रहने देते हैं, आगे चलते हैं प्रश्न। हाँ ये क्वेश्चन आपको आएगा कि पानी में भरी बाल्टी की गहराई कम मालूम पड़ती है क्यों,
आप देखे होंगे पानी में भरी बाल्टी और प्याज तो कम गहराई दिखाएगा, तो आपको ये अच्छा से दिखना है ठीक है। और इसका प्याज तो हम बताए हैं कहाँ, अति लघु उत्तरीय में संपूर्ण समझा समझा के, तो आप ये देख लीजिए। और समझाया क्वेश्चन है तो आप एक ही क्वेश्चन को कितना बार बताएंगे बताइए। हाँ ये भी क्वेश्चन प्याज तो बार बार आता है कि हीरे का अर्थनांक 2.42 है, इस कथन का क्या अभिप्राय, VVI किया हुआ है, इसका मतलब समझ रहे हैं एग्जाम में पूछा गया है। हीरे का अर्थनांक 2.42 है, इस कथन का यह स्पष्ट होता है कि हीरे का प्रकाश की चाल निर्बाध प्रकाश की चाल 1/2.42 गुना है और हवा के सापेक्ष हीरा सघन माध्यम है। हीरे का अर्थनांक ये फॉर्मूला लिख लीजिएगा बस। फिर उसी प्रकार प्याज तो पानी में अंशता वाला ABM बताया था, किसमें आपको दीर्घ उत्तरीय में होगा, तो आप जरूर देखिएगा ठीक है। सबका प्लेलिस्ट बनाए, प्लेलिस्ट पे जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए भाई साहब इसी बात पे ठीक है। यही क्वेश्चन देख लीजिएगा, आगे चलते हैं प्याज तो। उसके बाद आपको बनेगा ना, हाँ इंद्रधनुष क्या है जिसको रेनबो बोलते हैं, देखिए तो क्या होता है प्याज तो आपको हम सिंपल समझाते हैं कि हमारे वायुमंडल में अनेक प्रकार के धूल कण एवं गैसों का मिश्रण होता है। तो जो धूल कण है जब बारिश होती है ना तो बारिश की बूंदें इस पे पड़ जाती है, और जैसे ही प्रकाश की किरण इस पे पड़ता है भाई साहब तो ये 7 वर्णों की रंगीन पट्टी दिखाई पड़ता है, उसी को प्याज तो हम लोग रेनबो बोलते हैं और यही इसी को हम लोग इंद्रधनुष ही बोलते हैं। तो आप लिख लीजिएगा और समझ तो गेवे किए। प्रकाश का वर्ण विक्षेपण पूछा जाता है, जब श्वेत प्रकाश की किरणें किसी पारदर्शक माध्यम से गुजरने के बाद 7 वर्णों की रंगीन पट्टी के रूप में विभक्त हो जाती है तो इस घटना को प्रकाश का वर्ण छेपन कहते हैं। संपूर्ण नोट्स जब लीजिएगा तो आपको मजा आ जाएगा। चलिए मेरे प्यास तो इस प्रकार हम लोग चैप्टर 3 को खत्म कर लिए हैं बहुत ही अच्छा से। मेरे प्यास तो अगर आपको वीडियो पसंद आएगा तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइएगा और आप एक प्यारा भरा कमेंट कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और बोलिए कि सर जी चैप्टर 4 का भी लेके आइए बहुत जल्दी। तो मिलते हैं प्यास तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।